राजस्थान, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए, अब कार्यवाहक मेयर की घोषणा की जाएगी। कार्यवाहक मेयर बनने के लिए कई पार्षद जुगत में जुटे हुए हैं। कार्यवाहक मेयर पद पर ओबीसी महिला पार्षद लगाने की कवायद की जा सकती है। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है स्वायत्त शासन विभाग की ओर से, एसीबी की कार्रवाई, और उसके बाद मेयर का पति ट्रैप हुआ था सुशील गुर्जर के ऊपर कार्रवाई की गई, 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया। और उसी के बाद से ही लगातार ये मांग की जा रही थी कि मेयर को भी निलंबित किया जाए। अब एक्शन ले लिया गया है, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और अब इंतजार है कार्यवाहक मेयर के घोषणा की। अब कई जो पार्षद है वो इस जुगत में बैठे हुए हैं, इस जुगत में लगे हुए हैं कि उन्हें कार्यवाहक मेयर बना दिया जाए। इससे पहले ही कई पार्षद इस मांग को लेकर मुखर थे कि मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जाए, और स्वायत्त शासन विभाग ने अब इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो लगातार मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इससे पहले मेयर की ओर से एक प्रदर्शन किया गया था, जहां पर कई पार्षद भी मेयर के साथ प्रदर्शन में मौजूद रहे। इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ गया था ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो सके। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं, महेश दाधीच जयपुर से, रोशन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, निलंबित कर दिया है, अब बड़ा सवाल ये है कि कार्यवाहक मेयर कौन बनने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए देर रात तक जो आदेश जारी हुए हैं उसके मुताबिक अब मुनेश गुर्जर जो है आज सस्पेंडेड मेयर कही जाएगी, क्योंकि देर रात को जो है जिस तरह का एक्शन डीएलबी की तरफ से लिया गया है, राज्य सरकार की तरफ से जो आदेश करके जारी किया गया है, हेरिटेज नगर निगम की जो महापौर है मुनेश गुर्जर, उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके से जो उनके पति सुशील गुर्जर हैं और उन पर जो चार्जेस लगे हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार है उससे रिलेटेड जो यहां चार्जेस उन पर लगाए गए, उसके बाद में जो अब मुनेश गुर्जर हैं उनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सस्पेंशन के बाद में एक तलवार जो है उन पर बर्खास्तगी की भी लटकी हुई जो है वो यहां पर नजर आ रही है, और उसके साथ में जब मुनेश गुर्जर यहां सस्पेंड कर दी गई है तो उनके साथ में अब कार्यवाहक महापौर लगाए जाने की जो चर्चा है, क्योंकि देखिए महापौर की जो सीट है वो ओबीसी महिला है, और ऐसे में इस पर जो संबंधित पार्षद जो कौन हो सकता है उसे लेकर के जो कवायद है वो सरकार की तरफ से होगी, लेकिन उससे पहले जो पार्षद है वो अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं वो यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नाम जो है सबसे प्रमुख तौर पर जो सामने आ रहा है वो नसरीन बानो का नाम है, जिसे लेकर के भी चर्चाएं जो है काफी तेज है कि नसरीन बानो को जो कार्यवाहक महापौर है हेरिटेज नगर निगम में वो लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए जिस तरह से पट्टे की एवज में जो है भ्रष्टाचार की राशि, एक बड़ी मोटी राशि जो 2 लाख रुपए की है वो मांगी जाने की जिस तरह से यह मामला पूरा सामने सुर्खियों में आया, और उसके बाद में जो ये जिस तरह से पूरे हेरिटेज नगर निगम के जो जारी किए हुए पट्टे हैं उन पर जो सवाल हैं वो यहां पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये बात भी सामने आई कि सैकड़ों ऐसे पट्टे थे जिन पर कि किसी न किसी तरह का जो ऑब्जेक्शन था वो लगा दिया जा रहा था, और जिस तरह से जो पट्टे हैं वो लोगों को आसानी से जारी नहीं हो पा रहे थे। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर के काफी जो है सक्रिय दिखाई दिए थे, उन्होंने कहा था कि इस अभियान को जो है सफल बनाना है, यूडीएच विभाग हो या फिर एलएसजी विभाग हो, इस अभियान को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ था। 10 लाख पट्टों के लक्ष्य को लेकर के पूरे प्रदेश में चल रहे थे, और जब इस तरह से पट्टों में जो है भ्रष्टाचार जिस तरह से सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन शहरों के संघ अभियान पर सवाल खड़े करता है कि क्या जिस तरीके से जिस मंशा के साथ में इस अभियान को शुरू किया गया था वह मंशा यहां पर पूरी हो पाई है सरकार की, या फिर उसमें कहीं ना कहीं इस तरह से भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है। और जिस तरीके से ये पूरा का जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद में अब पड़ताल ये भी होगी कि किस तरह से जो पट्टे हैं वो यहां पर जारी हुए हैं। ऐसी जानकारी सामने आई कि सैकड़ों पट्टे थे जिन पर कि महापौर की तरफ से कई बार ऑब्जेक्शन लगाए गए थे ऐसे में, और ये जो सूचनाएं ये जो जानकारियां थी वो पहले से मिल रही थी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने जो है इस मामले में मुखर होकर के अपना एक अंदाज दिखाया, उन्होंने कहा कि ये
जो शिकायतें थी न सिर्फ आज की है बल्कि पहले से भी इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी और इस कारण से मुख्यमंत्री को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए यह फैसला लेना पड़ा। भले प्रदेश में जो कहा जा सकता जयपुर का जो ये हेरिटेज नगर निगम का जो बोर्ड है वो अपने आप में एक तरह से कांग्रेस का बोर्ड है, बावजूद इसके जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार होने के बाद में भी जो फैसला यहां पर लिया गया है वो एक जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है और ये भी बताता है कि भले ही कांग्रेस के लोग हों या फिर कांग्रेस का बोर्ड क्यों ना हो, किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ में कोई एक्शन लेना है तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। और ये बात लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कहते हुए सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस में सारे भ्रष्टाचारी हैं। हालांकि सरकार बार बार यही कह रही है, कांग्रेस के बार बार लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही लगातार भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, फिर चाहे किसी भी पार्टी से वो क्यों ना हो। रोशन, जिस तरीके से अब कार्रवाई की गई है मुनेश गुर्जर पर, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अभी फिलहाल निलंबित किया गया है लेकिन अगर बर्खास्त किया जाता है और क्योंकि एसीबी भी लगातार जांच कर रही है, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है वो तो और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है उनकी। प्रियंका, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जिस तरीके से जो मुनेश गुर्जर के पति हैं सुशील गुर्जर को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से एसीबी ने कांग्रेस की जो मेयर है उसके खिलाफ कार्रवाई की है शायद कितनी हिम्मत जुटाई होगी। उसके बाद में कल जब हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई है और ये गहलोत सरकार ही है जो इस तरीके की जो कार्रवाई कर सकती है। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर सामने आए, मंत्री महेश जोशी उन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात रखी। उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने देर रात्रि करीब 1:45 के ऊपर जो मुनेश गुर्जर है उनके जो निलंबन को लेकर यहाँ पर आदेश जारी किया। और अभी आपने कहा कि ठीक कहा है कि मुनेश गुर्जर के ऊपर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है, सरकार कभी भी जो मुनेश गुर्जर को बर्खास्त कर सकती है। ऐसे में भी लगातार यहाँ पर जो एसीबी की ओर से जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो सुशील गुर्जर है वो रिश्वत किसके लिए मांग रहे थे, किन फाइलों के अंदर मांग रहे थे, क्योंकि एसीबी की टीम को वहां से जो मेयर मुनेश गुर्जर के घर से करीब 41,55,000 रुपए की जो नकदी यहां पर मिले हैं, इसके अलावा कई लॉकर की जानकारी मिली है, कई अहम फाइलें मिली हैं जो काफी समय से लंबित थी, यानी जो जांच जो एसीबी की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि जो मेयर मुनेश गुर्जर कल सुबह से अपने घर के ऊपर नहीं है, हमने लगातार कल भी मेयर मुनेश गुर्जर से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन मुनेश गुर्जर की ओर से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। मेयर मुनेश गुर्जर का जो फोन है वो बंद है, जो दूसरा जो फोन है वो एसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो उनका जो निजी स्टाफ है जो सुरक्षाकर्मी है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि सरकार ने जिस तरीके से जो एक्शन लिया है ये अपने आप में कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है। जिस तरीके से शिकायतें मिली भ्रष्टाचार की और उसके ऊपर एक्शन देखने को मिला, कुल मिला के कहा जा सकता है कि अपने आप में काफी सरकार का चुनावी साल में एक काफी अहम एक्शन है। मेरे सहयोगी महेश जिस तरीके से बता रहे थे कि अब जो नए महापौर जो कार्यवाहक महापौर को लेकर जो लगाने की जो तैयारी है वो भी शुरू हो गई, क्योंकि चुनावी साल और महज बहुत कम समय जो बचा है, करीब 2 महीने का समय बचा है आचार संहिता से पहले। ऐसे में कई जो पट्टे हैं कई जो फाइलें हैं वो लंबित पड़ी है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार संभवतः अगले 1 से 2 दिन के अंदर जयपुर जो हेरिटेज नगर निगम है उसके अंदर कार्यवाहक जो मेयर है उसकी घोषणा कर दे। प्रियंका, कुल मिलाकर जिस तरीके से जो मेयर मुनेश गुर्जर है अब उनकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई जा रही है, एसीबी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ के लिए मेयर मुनेश गुर्जर को बुला सकती है। बिल्कुल रोशन, मुश्किलें बढ़ी हैं और मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर भ्रष्टाचार में वो संलिप्त पाई जाती हैं या फिर आगे जाकर उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे कार्रवाई पर। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है, तो वहीं मंत्री महेश जोशी ने भी क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। हमारे यहाँ एसीबी में कोई इंटरवेन नहीं करता है, कोई ना तो सीएम के पास में ना गृह मंत्री के पास में ना एसीबी मंत्री में खुद हूँ, उनके पास आने जरूरत है।
यहाँ कलेक्टर अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं, आरपीसी के मेंबर अरेस्ट हुए हैं, मेयर के हस्बैंड अरेस्ट हो रहे हैं, आईआरएस अरेस्ट हो रहे हैं, कई हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पावर है एसीबी को, राजस्थान में जो काम करते हैं जब केंद्र सरकार के अधिकारी को नहीं हो उनको अरेस्ट करने की पावर भी एसी के पास है। मैंने कहा ना सच्चाई सामने लाई जाएगी कि जो भी सच्चाई है जब कार्रवाई हो सकती है इसका मतलब सरकारी नियंत्रण नहीं है, सरकारी नियंत्रण नहीं है उनको खुली छूट है, कोई भी व्यक्ति दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमेशा से हमारी नीति रही है और ये नीति मैंने जैसा कहा केंद्र में भी ये नीति होनी चाहिए। जयपुर हेरिटेज मेयर पति घुसकांड मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, आरोपियों को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, मेयर पति सुशील गुर्जर, नारायण और अनिल को कोर्ट में पेश किया गया, एसीबी कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा है, सुशील गुर्जर, नारायण और अनिल को 2 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है जहां पर पूछताछ की जानी है। मेयर पति सुशील गुर्जर ने बड़ा दावा किया है, एक बड़े कांग्रेस नेता के इशारे पर फंसाया गया है और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। षड्यंत्र तरीके से उसने मनोज मुदगल क्योंकि डिप्टी मेयर बनना चाहता है, इसलिए षड्यंत्र तरीके से हमारे घर पे ऐसा करवाया, कोई दिक्कत नहीं ले गई है, लेकिन मनोज मुदगल जब से मेयर साहब मेयर बनी है जब से वो डिप्टी मेयर बनना चाहता है तो सुधांश थ्रू के लिए चाहे पता कर लेना वो दिन में 8 घंटे उधर बैठता है। तो ये मान के चला जाए कि राजनीतिक साजिश है इसमें, 108% राजनीतिक साजिश है। किसने बताया आपको, षड्यंत्र तरीके से उसने मनोज मुदगल क्योंकि। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 108 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, इन रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए किए जाने वाले पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक साथ रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन 24,000 करोड़ की लागत से बनेंगे, इनमें राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, अगले 2 साल में इन सभी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का सरकार का इरादा है। इन रेलवे स्टेशन पर रूफ प्लाजा बनेंगे यानी ट्रैक के ऊपर रूफ होगी, इसके अलावा नए रेलवे स्टेशन पर सर्व सुविधा युक्त रनिंग रूम भी उपलब्ध होंगे। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, 108 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, इन रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद की जाएगी। रुक लेते हैं अगली खबर का, बड़ी खबर का रुक करेंगे, मनचलों के खिलाफ सीएम गहलोत ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, मनचले लड़के माहौल खराब करते हैं, ये बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, उन्होंने कहा कि लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, डीजीपी और सीएस को निर्देश दिए हैं इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और आरपीएससी के लिए नाम भेजो, बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सुनिए क्या कुछ कहा था। मनचले जो लड़के होते हैं ना वो पूरा माहौल खराब करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। हमने कल ही कहा डीजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को, सबको जो अधिकारी थे कल रात को मीटिंग हुई थी, हमने कहा मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो आरपीएससी के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। इन मन चले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए पूरी बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर भीलवाड़ा के कोठरी थाना क्षेत्र में मासूम बालिका की हत्या करके भट्टी में झोंकने के मामले में भीलवाड़ा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक क्राइम दिनेश एमएन घटनास्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया। यही नहीं, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पीड़ित परिवार से भी मिले और उनसे बातचीत की। वहीं उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से भी खास बातचीत की। भट्टी कांड में जो घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं पुलिस उसको देखते हुए मॉनिटरिंग कर रही है, सख्ती से इस पूरे घटनाक्रम से निपटा जा रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एडीजे क्राइम दिनेश अमन खुद मौके पर पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। इस घटना को कहीं ना कहीं पुलिस ने भी एक्टिव मोड पर आते हुए साथ गिरफ्तारी बहुत की है, आगे क्या किया जाएगा।
नहीं, बहुत गंभीर घटना है और इस तरह से घटना कभी नहीं होनी चाहिए। इसको कड़े शब्दों से जितने भी हम निंदा करें वो कम है। हम अभी जो घटना हो गई, लेकिन अभी पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया और 2 बाकी है, और जो 2 बाकी हैं उनके लिए अलग अलग से टीम लगी हुई है। जो जिनको अरेस्ट करना बाकी है उनके लिए अगर जल्दी नहीं मिले तो हम कोशिश करेंगे, 1-2 दिन में इनाम घोषित करेंगे उनके खिलाफ, और हमारी जो सर्च की नेट अवॉइड करेंगे उसको, और हर सूरत में अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा इसको हम स्पेशल टीम लगाएंगे, स्पेशल टीम लगा के डीजी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं और मैं भी मॉनिटर करूँगा इस पूरे केस को, इन्वेस्टिगेशन को, और ट्रायल भी जल्दी हो इसके लिए भी हम फास्ट ट्रैक में डे टू डे हियरिंग कराने के लिए जो भी अगर लीगल जो प्रोविजंस है उनको हम अपनाएंगे, और स्पेशल पीपी एक अच्छे जो भी जो इस केस को लड़ सके उनको हम रखेंगे। इसके अलावा हमारे केस ऑफिसर स्कीम होता है जिसमें एक सीनियर ऑफिसर एडिशनल एसपी डीवीएसपी लेवल के अधिकारी इसको डे टू डे मॉनिटर करेंगे, और इसमें सख्त सजा, इसमें सजा तो सजाए मौत ही है सबसे ज़्यादा सख्त सजा, हम कोशिश करेंगे इनको तो यही मिले और डेथ पेनल्टी मिले। उसके लिए जो भी प्रशासन और पुलिस जो प्रयास करना है सब पूरा प्रयास करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम कोशिश करेंगे, कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ट्रायल पहले कराएंगे, ट्रायल करा के और सजा कराएंगे। सजा कराने के बाद जब मौका आएगा कि ये केस कितना गंभीर है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसमें जितने भी पहलू है उनको कोर्ट के सामने अच्छे तरीके से हम रखे हम सबसे ज़्यादा जो भी सजा है डेथ पेनल्टी है उसी के लिए कोशिश करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में आने वाले समय में ऐसा कोई भी बदमाश या ऐसी कोई भी घटना ना हो। वीडियो शंकर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18, भिलवाड़ा। तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो और संदिग्ध बताए जा रहे हैं उन्हें लेकर भी कवायद की जा रही है, और इसके साथ साथ तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके इसे लेकर भी लगातार पुलिस की ओर से कवायदें तेज कर दी गई हैं। जल्द ही चार्जशीट पेश करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो सके, एक नजीर पेश की जा सके इसे लेकर पुलिस तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। तो भिलवाड़ा के भट्टी कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की 4 महिला सांसद आज कोटड़ी का दौरा करेंगी। महिला सांसदों में सरोज पांडे, कांता करदम जाटव, रेखा वर्मा और लोकेट चटर्जी दौरा करने वाली हैं। मामले की जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। केंद्रीय टीम के साथ राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी भी होंगी साथ। तो बीजेपी के 4 महिला सांसद आज कोटड़ी का दौरा करेंगी। महिला सांसदों में सरोज पांडे, कांता करदम जाटव भी शामिल हैं। घटनास्थल पर पहुंचेंगी, पूरे मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जानी है। तो बीजेपी लगातार इस घटनाक्रम को लेकर निंदा कर रही है, इसे लेकर कई बयान भी सामने आए हैं और निश्चित तौर पर राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। पानी की डिग्गी में डूबने से दोनों की मौत हुई। स्कूल से घर आकर डिग्गी पर ये दोनों भाई थे और इसी दौरान पैर फिसल गया और ये दोनों हादसे का शिकार हो गए। दोनों भाई डिग्गी में जा गिरे और दोनों की मौत हो गई। तो पहले एक भाई का पैर फिसला, वो डिग्गी में गिरा और उसके बाद उसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी डिग्गी में कूद गया और डूबने से दोनों भाइयों की मौत हो गई है। घर और गांव में मातम पसरा हुआ है। उधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आसमान से मुसीबत बरस रही है, ऐसे में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के सभी ब्लॉक में नदी नाले उफान पर है। नदी में आई बाढ़ ने बजरंग बली के मंदिर को धाराशाही कर दिया, लेकिन बाढ़ भी हनुमान जी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई।
तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नदी में बहाव तेज है लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा जस की तस है। पूरा मंदिर तहस का नहस हो गया, पूरी मंदिर नष्ट हो गई लेकिन भगवान की प्रतिमा जस की तस है। तो वहीं प्रदेश में शहरी ग्रामीण ओलंपिक का सीएम अशोक गहलोत ने आगाज किया, लेकिन इसके पहले हुई एक खास कबड्डी, कौन कौन इसमें शामिल रहा और क्या है इसका संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम का टॉस, मंत्रियों ने खेली कबड्डी, चुनाव से पहले मैदान में मंत्रियों विधायकों के दांव। चुनाव में भले ही अभी वक्त हो लेकिन सियासी गर्मी चढ़ने से पहले सीएम अशोक गहलोत अपनी टीम को तरोताजा और फिट रखने के लिए खुद मैदान में उतरे। हालांकि पांव में चोट के कारण सीएम गहलोत ने दो टीमों के बीच कबड्डी के लिए टॉस किया और फिर क्या था, आपस में भिड़ गए मंत्रियों की दो टीमें। ये मैच है टीम ए और बी के बीच, पहली टीम के कप्तान हैं अशोक चांदना तो दूसरी टीम की अगुवाई की महेश जोशी ने। लेकिन हैरान ना हो, ये सियासी कुश्ती नहीं बल्कि शहरी और ग्रामीण ओलंपिक के आगाज से पहले उद्घाटन मैच था जो मंत्रियों और विधायकों के बीच खेला गया। इसमें ए टीम के कप्तान खेल मंत्री अशोक चांदना थे, इसमें चांदना के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कुछ खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं बी टीम के कप्तान मंत्री महेश जोशी रहे, इसमें मंत्री लालचंद कटारिया और कृष्णा पूनिया, गोविंद राम मेघवाल भी शामिल थे। पांच अलग अलग राउंड खेले गए, इसमें मंत्री महेश जोशी की टीम ने जीत दर्ज की। इस कबड्डी मैच में ओलंपिक प्लेयर और मंत्री कृष्णा पूनिया के दांव के सामने बाकी किसी की नहीं चली। अपने मंत्रियों के बीच की इस कबड्डी से सीएम गहलोत भी काफी खुश नजर आए। राजस्थान के हर जिले में जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है वो भी अपने इतिहास है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर। पिछले साल हमने पहला प्रयोग किया था राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राजीव गांधी नाम से। इसी के साथ सीएम ने लोगों को फिट रहने का मंत्र देते हुए प्रदेश के पहले ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की। पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, इस बार 58 लाख और 28 लाख लोगों ने अपने पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं कि इस कदर लोगों में उत्साह है, क्रेज है। आपको बता दें कि प्रदेश की 11,252 पंचायतों और 535 नगर निकाय में एक साथ शुरू हुए ग्रामीण ओलंपिक में 58 लाख से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 5 अगस्त से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में 7-7 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मोटे तौर पर इस आयोजन पर 130 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार के ऐलान के मुताबिक जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर चैंपियन बनेंगे उन्हें होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता मिल सकती है, तो मेडल विजेताओं को सरकारी कॉलेजों में एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।